की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। निकलो। आंटी मेरी बात तो सुनिए आप, वो डिवोर्स पेपर्स नकली थे, मैंने दीदी के साइन नहीं लिए थे, मैंने खुद एक फेक फर्जी पेपर बना के खुद नकली सिग्नेचर करके दिया था उसको। हाँ दीदी, मैंने आपके साइन नहीं किए थे, सच्ची। सौम्या को भी नहीं पता है कि वो पेपर ओरिजिनल नहीं है दीदी, सच्ची। हमको जो मिले वो कागजात असली थे, और उस पर तो मंगल के दस्तखत भी नहीं है। मैंने तो खुद सौम्या को फेक पेपर दिए थे। दीदी और जीजू का तलाक नहीं हुआ है, वो लोग अभी भी शादीशुदा है। पर अब क्या फायदा, उन दोनों ने शादी कर ली। उससे कुछ नहीं होता आंटी, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर किसी हस्बैंड ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दिए बिना दूसरी शादी कर ली तो वो कंसिडरेट नहीं होगी, खारिज कर देते हैं, इट्स नल एंड वॉइड। हम सौम्या के खिलाफ कोर्ट का केस कर सकते हैं। अगर जीजू को वापस ले आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनकी और सौम्या की शादी नहीं हुई है दीदी, भरोसा रखिए। चलिए हम वकील से मिलते हैं, आज ही मिलते हैं, चलिए ना दीदी, चलो चलिए ना दीदी, हम आ जाके सब प्रूफ कर देंगे कि जीजू और सौम्या की शादी गैरकानूनी है। समय नहीं है, जाओ जल्दी करो। मंगल ऐसा क्यों बोल रही है तू? मंगल ऐसा क्यों बोल रही है तू? उसके सारे सच्चाई सामने आने दे, दुनिया देखेगी। और बता दो कि तुम जीत गई। दीदी हार जी इसके लिए बड़ा साबित नहीं कर सकता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता किसी कागज पे थोड़ी ना बनता है, तो एक अनजान बंदे की सी भावना होती है जिससे मैं महसूस करती नहीं 15 सालों कि दीदी जी ने कभी महसूस नहीं की, उन्होंने तो कभी मुझे अपनी पत्नी मांगा ही नहीं, सिर्फ कागज पे उनकी पत्नी थी। इसलिए तो इतनी आसानी से दुश्मन कर दिया उन्होंने आपके कागज पर। अम्मा पन्ना, मैं यही सोचती रहती हूँ कि वो पेपर हो गया अभी तो, लेकिन तो काम मुझे खुद से अलग कर दिया था। वो तो बहुत तेरे सौम्या जी को अपने जीवन में ले आए थे, मेरे पति होने के दिखावा तो आपके डर से कर देता हूँ।